ऑलराइट, इनफ्लिक्स की हॉट सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में काफी ज्यादा सेल आउट होती है। रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में इनफ्लिक्स हॉट 10 काफी ज्यादा सेल आउट हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इनफ्लिक्स हॉट 10 हुआ पुराना, अब आने जा रहा है दोस्तों इनफ्लिक्स हॉट 11 एंड हॉट 11S। यह दोस्तों इनफ्लिक्स बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में हॉट 11 सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है और ये सीरीज आपको नेक्स्ट मंथ के मिड यानी कि 18 से 20 तारीख को लॉन्च होती दिखाई देगी। बेसिकली यहाँ पर दो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, इनफ्लिक्स हॉट 11 एंड 11S। लेकिन आज के वीडियो 11S के बारे में दोस्तों कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आपको बताने वाला हूँ। एक और मजे की बात यह है, इस स्मार्टफोन में आपको एक काफी बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त है। तो क्या है ऐसा ट्विस्ट, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें इस स्मार्टफोन में थोड़ी सी अपग्रेड देखने को मिलेगी और थोड़ी सी सस्पेंस भी पैदा कर रही है, तो सारा कुछ आज आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शैतान आपको इस नए काम से जरूर रोकेगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम डिजाइन से स्टार्ट करें, डिजाइन अब की बार टोटली चेंज कर दिया गया है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, रिसेंटली हुआवी की तरफ से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन आया था, इसका डिजाइन उस स्मार्टफोन से काफी मिलता जुलता है। अब मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, अगर आपने वो स्मार्टफोन देखा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस स्मार्टफोन का नाम जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस प्राइस पैकेट में ये डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अब थोड़ा मोबाइल फोन के इंटरनल की बात करें तो यहाँ पर 6.7 इंचेस का एक आईपीएस पैनल शामिल किया गया है FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। अब इन्फिनिक्स की जो ये हॉट सीरीज है दोस्तों अंडर 30,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में आती है और आई थिंक ये स्मार्टफोन आपको 25,000 से थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन इस प्राइस पैकेट में अगर हमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल जाता है तो मेरा ख्याल है नॉट बैड। और एक और लीक्स के मुताबिक यहाँ पर अब की बार हमें 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, अगर हो सकता है तो यहाँ पर 90Hz के रिफ्रेश रेट को शामिल किया जा सकता है, लेकिन 120Hz का रिफ्रेश रेट इतने कम प्राइस पैकेट में थोड़ा सा नामुमकिन सा ही लग रहा है। और खासतौर पर ये इन्फिनिक्स के बैनर तले आ रहा है स्मार्टफोन, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई इतना ज्यादा फास्ट रिफ्रेश रेट को शामिल किया जाएगा। 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आ जाए तो सोने पर सुहागा है। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलने वाला है, बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है। प्राइस पैकेट के हिसाब से देखें FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले है, अगर 90Hz भी शामिल कर दिया जाता है तो भाई फाड़ू किस्म का डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात आ जाती है स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस यानी कि चिपसेट की, तो भाई यहाँ पर MediaTek Helio G88 का चिपसेट यूज किया जा रहा है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब मजे की बात यह है, इन्फिनिक्स इतने कम प्राइस पैकेट में हमें एक गेमिंग चिपसेट दे रहा है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी हो जाएगी। वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर 4GB 64GB और 6GB 128GB का कॉम्बिनेशन शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है इन्फिनिक्स हॉट 11 में कौन सा वेरिएंट आएगा, इन्फिनिक्स हॉट 11S में कौन सा वेरिएंट आएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इन्फिनिक्स हॉट 11S में हमें 6GB 128GB का वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब कैमरा भी हो गया, सॉरी डिस्प्ले भी हो गया और मोबाइल फोन का चिपसेट भी हो गया। अब आ जाते हैं मोबाइल फोन के ट्विस्ट की जानेब, तो भाई यहाँ पर कैमरा में काफी बड़ा ट्विस्ट दिया गया है। मोबाइल फोन के बैक पर आपको रेल में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन मजे की बात यह है मोबाइल फोन का जो मेन लेंस है वो यहाँ पर 50MP का लगाया जा रहा है f1.6 अपर्चर के साथ। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा चेंज है ये, इतने कम प्राइस पैकेट में हमें ये वाहिद स्मार्टफोन होगा जो 50MP के लेंस के साथ मिलेगा। और मजे की बात यह है यहाँ पर अपर्चर को भी काफी ज्यादा कम रखा गया है, f1.6 का अपर्चर है, तो लो लाइटिंग कंडीशन में भी मोबाइल फोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस इस प्राइस पैकेट में आपको किसी भी स्मार्टफोन से काफी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन आपने ज्यादा खुश नहीं होना क्योंकि मोबाइल फोन के बाकी के दो लेंस की बात करें तो यहाँ पर जस्ट 2 MP के शामिल किए गए हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं, रियल में आपको जस्ट सिंगल कैम ही देखने को मिलेगा जो कि 50MP का है। इसके अलावा मोबाइल फोन के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको 8MP का सेल्फी शूटर भी मिल जाएगा। तो मोबाइल फोन का डिस्प्ले भी हो गया, चिपसेट भी हो गया, कैमरा भी हो गया। अब बात आ जाती है मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ की, तो भाई यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स 5000mAh की बैटरी ऑफर कर रहा है और इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 18W की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी, बहुत ही बेस्ट है यार।
बैटरी लाइफ अच्छी है, आप यहाँ पर अगर गेमिंग भी ज़्यादा करते हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी है। ओवरऑल मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस अभी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही हैं। अब लॉन्च डेट भी मैंने आपको बता दी है, प्राइस भी बता दी है, अंडर 30,000 के प्राइस टैग में आएगा, 25 या फिर 27-28 तक में आ जाएगा, ज़्यादा भी महंगा हो, लेकिन आएगा ये अंडर 30,000 के प्राइस टैग में। अब अंडर 30,000 के प्राइस टैग में मुझे इसकी स्पेसिफिकेशंस देख के एक सस्पेंस सा पैदा हो गया है। डेफिनेटली ये स्मार्टफोन जैसे ही आएगा हम इसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मिस ना हो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।